भाई अगर इंदौर में दाल बाटी खानी हो तो उसे एक ही नाम याद आता है मेरे को, तो भाई राजस्थानी सोनिया की दाल बाटी। और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि भाई ये राजस्थानी दाल बाटी वाला कौन है, तो भाई ये हमारी सोनिया मैम। तो कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और सबसे पहली बात तो आपने ये कैसे सोचा कि भाई इंदौर में दाल बाटी चलाई जाए? वैसे दाल वाफले लोग ज़्यादा खाते हैं यहाँ पर। दाल बाटी एक्चुअली मेरे भाई और मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था दाल बाटी के लिए। हम लोग सोच रहे थे कि क्या प्लान करें क्या करें, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था क्योंकि उन लोगों ने मेरे हाथ की दाल बाटी खाई है, तो उनको काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा था। तो उनने सोचा कि फास्ट फूड की जगह हम लोग थोड़ा सा घर जैसा खाना खिलाए लोगों को, ताकि उनको टेस्ट अच्छा मिल पाए। तो इसलिए हम एक ग्रुप चौपाटी पे दाल बाटी लेके आए। मतलब देसी एकदम आप खिला रहे हो, हमने सुना है काफी घर जैसा टेस्ट आता है लोग। हाँ, काफी लोग भी, ये भी सुना है कि भाई विदेशों से भी मेरे पास कमेंट आएंगे, भैया कौन है कैसा है, आप जल्दी जाके टेस्ट करके बताओ हमको। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से भी बहुत लोग आए, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दाल बाटी का टेस्ट करने, और टेस्ट करने के बाद वो बिल्कुल मुझे रिव्यू देके जाते हैं कि काफी बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ पर। भैया हमको बताइए आप कैसे, क्या आपका कॉन्सेप्ट रहता है, और ये जो दाल रखी है आप पूरा घर से तैयार करके लाते हो या फिर यहीं नहीं, नहीं, दाल तो मैं यहीं बनाती हूँ, सब्जी सिर्फ मैं घर से बना के लाती हूँ बेसन गट्टे की, और बाटी और दाल हमारी यहीं पर रेडी होती है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है दाल बाटी में, काफ़ी लोगों को वेट भी करना पड़ता है बाटी सीखती है जब, तो सुना है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के नंबर लगते हैं। नहीं, आधे घंटे की रहती है वेटिंग, रहती है आधे घंटे की, मगर आधे घंटे में बाटी तैयार हो जाती है, बाकी का सब रेडी रहता है। अच्छा, बाकी का सब रेडी रहता है। हाँ हाँ, और अभी बाटी तैयार हो रही है यहाँ पर। हाँ, बाटियाँ यहाँ पर तैयार हो रही है, ये हमारी बाटियाँ हैं, और काफ़ी लोग मतलब जो खाते हैं उनको उनका घर जैसा माहौल लगता है कि एकदम घर जैसा खाना खिला रही हूँ मैं, उनको लगता ही नहीं कि उन्होंने बाहर खाना खाया है। स्मेल भी जो आ रही है ना बिल्कुल एकदम घर जैसी आ रही है, मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी। और इसके अलावा आप क्या क्या रखते हो? हाँ, इसके अलावा टिश्यू यहाँ पर अलाउ नहीं है कुछ है। ये है हमारी बेसन गट्टे की सब्जी जो मैं घर से रेडी करके लाती हूँ, इसका टेस्ट भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है बेसन गट्टे की सब्जी का। कुछ सीक्रेट रेसिपी जो शेयर करना चाहोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, सब नॉर्मल अपने घर जैसा खाना है, तो मैं वही बोल रही हूँ कि घर जैसा खाना है, तो इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि हाँ कुछ छुपा रखा है मैंने। तो जल्दी से हमारी प्लेट लगाइए, और हमको तो भाई घर का मतलब याद ही आ रही है अब घर की। बिल्कुल, आप भी खाइएगा और मुझे बताइएगा कि कितना टाइम लगेगा अभी बाटी सीखने में, कितना टाइम लगेगा? बस 15 मिनट में हो जाएगी। अब 15 मिनट में हो जाएगी? हाँ, मिलते हैं 15 मिनट बाद। ये 5 मिनट में हो गई हमारी बाटी तैयार। भाई एकदम मतलब स्मेल ही अलग आ रही है एकदम बाटियों की। खुशबू बोलो आप, खुशबू। खुशबू तो मतलब एकदम घर जैसा लग रहा है, जैसे घर में खाना बन रहा है, घर का खाना बन रहा है। भाई अब लगेगी हमारी प्लेट। जी बिल्कुल, ये आ गई दाल, एकदम गरम गरम दाल, और इस दाल की स्मेल भी अलग ही आ रही है। बिल्कुल, ये आ गई है गट्टे की सब्जी, ये केरी की चटनी है, ये सब आप घर से तैयार करके लाते हो? केरी की चटनी और पुदीने हरे धनिए की चटनी हम घर से रेडी करते हैं, सैलेड हम ताज़ा भी बनाते हैं यहीं पे। और ये रही आपकी बाटियाँ, क्रिस्पी बाटियाँ एकदम घी में डोब के बाटियों की जो स्मेल आ रही है बिल्कुल अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है बिल्कुल। अब आप टेस्ट करके बताइएगा कैसा लगा आपको खाना। रेडी हो गई है बिल्कुल, भाई जल्दी से करते हैं इसको टेस्ट और देखते हैं कैसी होने वाली है। तो यहाँ पर आ चुकी है हमारी दाल बाटी की प्लेट, तो जल्दी से करते हैं इसको टेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं करने वाला हूँ इसको भाई दाल के साथ ही टेस्ट। थोड़ी सी गर्म है, भाई जो बाटी है ना वो एकदम मुंह में जाती साथ घुल रही हैं, और काफ़ी अलग टेस्ट है, और एकदम सॉफ्टी वाइटी, मतलब ऐसा नहीं, मतलब कई सारी जगह मैंने ट्राई किया तो एकदम थोड़ी टाइट वाइटी मिलती है, यहाँ पर क्रिस्पी भी है और साथ में सॉफ्ट भी है। तो जल्दी से करते हैं अब इसको भाई गट्टे की सब्जी के साथ टेस्ट। भाई जो गट्टे की सब्जी है ना एकदम भाई थोड़ी सी मसाले वाली है एंड थोड़ी स्पाइसी है, जो कि मतलब इसके साथ बाटी के साथ टेक्सचर काफ़ी अलग बन रहा है, ऑलराउंडर मतलब जो खा लिया ना एकदम परफेक्ट है दाल बाटी के लिए। और अगर आप भी खाना चाहते हो ना तो डिस्क्रिप्शन में लोकेशन मिल जाएगी, जाके चेक करके आ सकते हो। भाई लेट्स एंजॉय।